not matter of my ex. आदिल तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा तुमने किसे खो दिया। आदिल मैं पाक थी, आदिल मैं पाक थी। मैंने तो कहा था हम कोर्ट मैरिज करेंगे, नॉर्मल मैरिज करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पवित्र इस्लाम कबूल किया उनके प्यार के लिए। तुमने पूरी दुनिया को दिखा दी है गंदगी कौन है। 8 साल की दोस्ती छोड़कर मेरे पति को छीन कर चली गई, तुमने दिखा दिया कि तुम जैसी। दोस्तों, राखी सावंत उर्फ फातिमा जब एयरपोर्ट पर दिखाई दी तो मीडिया को उन्होंने अपना बयान दे दिया। उन्होंने खाली आदिल के खिलाफ ही नहीं बोला बल्कि राजश्री जो उनकी दोस्त रह चुकी हैं उसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा राखी ने ये भी क्लेम किया कि उसने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। अगर वो मेरी दोस्त ना होती तो शायद हमारी ज़िंदगी अभी मैरिड लाइफ जो है वो परफेक्ट जा रही होती, लेकिन राजश्री की वजह से मेरा डिवोर्स होने वाला है। राखी सावंत ने ये भी कहा, अगर मैं कोई भी बात झूठ बोल रही हूँ तो मैं जिस फ्लाइट से जा रही हूँ वो फ्लाइट क्रैश हो जाए। दोस्तों, इस बार राखी सावंत उर्फ फातिमा फिर अबाया में दिखाई दी। उन्होंने अंडर कैप भी पहनी हुई थी, ब्लैक चश्मा लगाया हुआ था। इनकी लुक सब फैंस बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूबर्स के खिलाफ भी राखी सावंत ने कहा कि वो मुझे गंदा दिखा रहे हैं सिर्फ अपने बैंक बैलेंस भरने के लिए। लेकिन ये बात सच है कि कुछ लोग इसको बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे यूट्यूबर्स इनको सिर्फ रिव्यू देकर बस आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं कि कौन सी मीडिया टॉक हो रही है और कौन सी मीडिया टॉक नहीं हो रही और कौन से इल्ज़ाम लग रहे हैं।